हाय एवरीवन सो आई होप आप लोगों का एल टी एम का आज का एग्जाम अच्छा गया होगा एंड uh, जो पैटर्न मैंने बताया था सेम वही पैटर्न निकला है uh, मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करी थी एग्जाम पैटर्न की एंड ऑल्सो uh, जैसा मैंने आपको एक वादा किया था कि मैं सारे अपडेट्स लेकर आऊंगा सो so मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ आप भी अपना वादा पूरा कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ठीक so है सो स्टार्ट करते हैं आज के एग्जाम एनालिसिस के बारे में ठीक है सो आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे टेंशन मतलेना सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ सो स्टार्ट करते हुए विध एग्जाम एनालिसिस तो आज का जो एग्जाम हुआ था उसमें यही सेक्शन हमें देखने को मिले थे जो हमें सबसे बड़ा डाउट हो रहा था क्या इसमें कोई कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो कोई भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं था नो कोडिंग ओके सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में थे और सेक्शन uh, वाइज थे मतलब सारे सेक्शन टू सेक्शन आपको सॉल्व करने थे क्वेश्चन ठीक है सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन था फिर लॉजिकल का क्वांट का प्रोग्रामिंग का सी एस फंडामेंटल इंग्लिश का सेक्शन था ठीक नॉट टॉकउ दिस एल टी आई एंट्री में हमेशा से आपको एक चीज पहले तो क्लियर कर देता हूं मैं कि सेक्शनल कट ऑफ होता है ओके सेक्शनल कट ऑफ सो जितने भी बच्चों ने आज यहाँ पर टेस्ट दिया था सपोज मान लिया कि आपने इंग्लिश में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है ओके okay? अगर आपने मान लो इंग्लिश में 90 परसेंट तक परफॉर्म कर लिया लेकिन जो लॉजिकल था अगर उसमें आपका स्कोर बहुत ही कम है लाइक फिफ्टी परसेंट तो ये चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ होता है उससे क्या फायदा होता है ना कि जो सारे सेक्शंस का ओवरऑल कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम जाता है जैसे कि uh, मान लिया कि सिक्सटी परसेंट एक बेसिक है सो so, ऐसा आपका जाएगा ठीक है ये फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ और लेकिन सारे सेक्शंस का थोड़ा कम होता है सेक्शनल कट ऑफ ठीक है लेकिन बस इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक सेक्शन आपका कोई बहुत ज़्यादा बेकार चला गया तो वो आपके लिए एक बुरा इंपैक्ट डाल सकता है ठीक है सो सेक्शनल कट ऑफ रहता है यहाँ पर सारे सेक्शंस के हिसाब से यहाँ पर आपको जज किया जाता है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज के एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे क्या रहा है जो रिज़ल्ट की टाइमलाइन में वो क्या हो सकती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जब एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ था ज़्यादातर बच्चों ने यह बोला कि जो इंग्लिश थी इंग्लिश तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा मीडियम लेवल की आएगी इंग्लिश थोड़ी मीडियम लेवल की थी इजी मीडियम ही थी लेकिन थोड़े से क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे

मैं यही कहूंगा ज्यादा टेक्निकल या ज्यादा हार्ड तो नहीं थे क्वेश्चंस बट एक चीज थी जो मतलब बेसिक बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ना उस पे भी क्वेश्चंस आए हुए थे जो जनरली हम क्या करते हैं हम शायद इग्नोर कर देते हैं लाइक like, अगर आपने नोटिस किया हो तो आज के अगर आपने पेपर देखा हो तो कुछ तो जो क्वेश्चन थे वो सेट करके एक जो सी आउट में होता है कि कितनी स्पेसिंग उससे आ जाएगी तो उस उसपे बेसिस भी कुछ क्वेश्चन बचे आ, मिले थे बच्चों को वो जो सेट वाला चीज होती नहीं सी में उससे भी यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन मिले थे जिससे स्पेसिंग करी जाती है सो बेसिकली जो क्वेश्चन थे वो बहुत छोटे छोटे से आ रखे थे तो आ, जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कर लेते हैं बट छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट मिस कर देते हैं सो so, उनसे भी यहाँ पर क्वेश्चंस दे दिए थे इन लोगों ने सो so, इस चक्कर में किसी किसी बच्चे को ये वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा टफ लगा एंड इवन अगर ओवरऑल पेपर की बात करी जाए तो जो प्रोग्रामिंग और सी फंडामेंटल्स के क्वेश्चन थे यही थोड़े से ज़्यादा थोड़े से मैं कहूँगा मीडियम लेवल के थे बाकी तो एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और थोड़ा सा जो कट ऑफ कम है शायद वो इन्हीं दो सेक्शन में जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो क्योंकि थोड़ा सा ये वाला सेक्शन जो था थोड़ा सा वो थोड़ा सा टफ था बस बाकी का जो एग्जाम था तो 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 था, था था, का जो और इंग्लिश वाला ये तो काफी ज़्यादा सेक्शन आपको आपको देखने को इसमें मिले थे, ठीक है, so, uh, अगर इसके बारे में बात करी जाए तो देखो मैं यही बोलना चाहूंगा तो देखो, आपको कर पाएगी, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूंगा लॉजिकल uh, थोड़ा, सा जो है, वो उसका थोड़ा सा हाई हो सकता है because, uh, ठीक है इंग्लिश भी यहां पर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी थोड़ी सी इजी साइड पे ही थी प्रोग्रामिंग का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हो सकता है प्रोग्रामिंग या सीएस फंडामेंटल्स का बिकॉज ये थोड़ा सा टफ आया था मीडियम लेवल का देन लास्ट का जो इंग्लिश का सेक्शन था वो तो यहाँ पर ईजी था ठीक है सो ये हमें कुछ ओवरऑल डिफिकल्टी आज देखने को मिली है बाकी अब बात करते हैं आगे की प्रोसेस के बारे में तो जनरली ज्यादातर आप लोग पूछते हो कि इसका रिजल्ट कब आएगा देखो अगर सब कुछ सही चलता रहा सो विद इन वन वीक यहाँ पर रिजल्ट आ चुका आ जाता है जनरली विद इन वन यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है अच्छा ठीक है भैया अब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए तो देखो अगर आपका टेस्ट हो गया है नाउ जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज अगर आपका टेस्ट ठीक ठाक गया है तो ठीक ठीक है क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि एल टी एम एंट्री के इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं सो इंटरव्यूज में आपको टाइम थोड़ा सा कम दिया जाता है मतलब जैसे हो सकता है कि केवल आपको एक दिन दिया जाए प्रिपेयर करने के लिए या फिर आपको आपका नेक्स्ट डे इंटरव्यू और उससे आपको एक दिन पहले बताया जा रहा है कि आपका यहाँ पर इंटरव्यू आ चुका है ठीक है so सो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो जनरली इसका जो नेक्स्ट राउंड होता है वो यहाँ पर आपका इंटरव्यू ही होता है और इंटरव्यू के लिए मैं आपको दो चीज़ें सजेस्ट करूंगा खासकर कि एक तो आप ऊप् रिलेटेड क्वेश्चन प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन और जो भी आपने सीवी में लिखा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये खासकर आप अच्छे से पढ़ के जाना मेजरली आपका इंटरव्यू इन चीजों का कवर हो जाएगा उसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं और एस है उसको थोड़ा बहुत कवर कर लो सी एस फंडामेंटल कर लो आपका काम हो जाएगा जो आपने बेसिकली टेस्ट के लिए किया था बस उसी को कर लेना और बिहेवियर क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आपका काम हो जाएगा ठीक है सो आई होप आप लोगों का टेस्ट आज का अच्छा गया होगा और आपका टेस्ट कैसा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो